बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हिफाजत में रखे, नेक ख्वाहिशात पूरी करें। आइए आप लोगों के साथ जो मेरे नीम से बचे पीस है जिसकी मैं एक शर्ट सिलाई कर रही हूँ। ये मेरे पास बची हुई लेंसें हैं, इसके साथ मैं शर्ट को डिज़ाइन करूँगी। मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है। ये हमारा आगे वाला हिस्सा कल पीस का फर्स्ट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो हम इसकी ये गला भी गला साथ चिपका देंगे चिप्पी को। इस तरह हमने इसे चिपकाना है। ठीक है, मैंने चिपका दिया साथ। पहले हम नेक बनाएंगे, फिर बाद में जो है इसके इस तरह लेसेस लगा देंगे। आज मेरी वीडियो में शोर बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ प्लाट की कटिंग की घास की कटिंग हो रही है। इस तरह हमने इन्हें से चिपका देंगे। इसको भी आपने आयरन नहीं करनी है, गैस को पहले इस तरह लगा लें, इस तरह लगा दें, इस तरह लगानी है तो आप इस तरह लगा लें। इस तरह भी प्यारी लगेगी। पास है, इसको हम इधर से ले आएंगे। तो इस तरह लगा देंगे सर। अगर इस तरह अच्छी लगती है, अगर ऐसे नहीं अच्छी लग रही तो आपने इस तरह लगानी है तो भी गले में लगानी। मुझे तो इस तरह भी प्यास नज़र आई है तो क्यों ना हम इस तरह लगा लें। इस तरह लगा के इस तरह यहाँ अटैच करेंगे। इसके हम निशानदेही कर लेते हैं। ये सिक्स पे तो हमारा गला है, तो गले से हमने राउंड थोड़ी सी कर ली है, चार इंच पे, पौने चार इंच पे कर लेंगे। और इस तरह हमने लानी है इधर कमर के दरमियान निशान दे पहले, ताकि आपको निशान पहले ये लैस अटैच कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरी लैस पता है। ये मेरे पास कपड़े, इसके साथ हम गला अटैच करेंगे। इस तरह रख के सीधी साइड ऊपर रख के इस तरह हमने इसे सिलाई लगा देनी है। बाद में इसका गला निकाल लेते हैं। की पट्टी बनाएंगे। पट्टी के लिए हमें जो कपड़ा चाहिए इसे भी आयरन कर लें ताकि लगाने में आसानी हो। हमारी बैक पट्टी ये हो गए, पीछे से हम इसको हम पीछे इधर गले के तीरे में लगा देंगे। चले आपको मैं लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने गला इस तरह लैस लगा के तैयार कर लिया है। बारीक लैस मैंने अंदर तरफ टच दी है और काम वाली का बाहर टच दी है। इस तरह गले का डिज़ाइन बना लिया।
अब मैं ये बाजू लगाऊंगी, बाजू ये दूसरी कटिंग है चोनट वाली पे बाजू, यहाँ से मैं इसका चोनट लगाऊंगी और इसको भी आगे मैं ये शीटल की लैस लगाऊंगी और अब नीचे भी शीटल की लैस का ही टच दूंगी। पीछे से तीरा मैंने बना लिया, पट्टी मैंने इस तरह बनाई है और इसको यहाँ से मैं तुरपाई कर दूँगी। तुरपाई करनी है तो कर लें, सिलाई लगानी है तो लगा दें, इस तरह करके इसकी यहाँ से हम तुरपाई कर देंगे। ये देखिए मीज सिलाई होकर तैयार हो गई है। ये मैंने इस तरह बाजू चुनट वाले बना दिए हैं, ये आगे भी चुनट लगाई हैं और पीछे भी पैक वाला बाजू जिसे कहते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत मीज तैयार हुई है। ये मेरे कपड़ों में से पीस बचा था जिसे मैंने से मीज सिलाई की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई। लाइक और शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें। आप लोगों के तावन से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आप लोगों की सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखने का बन। अल्लाह हाफिज़।